भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। इस बीच देश में जल्द ही बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन लॉन्च करने की तैयारी है। सरकार ने बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी जायडस कैडिला को 1 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया था, जिसकी सप्लाई कंपनी इसी महीने शुरू कर देगी। जानकारी के मुताबिक शुरुआत में कंपनी महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल समेत 7 राज्यों में ही बच्चों को वैक्सीन लगाएगी। इसके बाद ही देश के अलग अलग राज्यों में इन्हें बच्चों को लगाया जाएगा। हाल ही में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने 12 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए इस वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। बच्चों की वैक्सीन के बारे में क्या है? वैक्सीन का नाम जायकोटी, कंपनी जायडस कैडिला, दुनिया की पहली डीएनए आधारित वैक्सीन, बिना सुई वाली वैक्सीन, 3 डोज वाली वैक्सीन, खास डिवाइस से लगेगी वैक्सीन, 3 डोज की कीमत 1,074 रुपए, वैक्सीन का साइड इफेक्ट कम। भारत में बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन को भी मंजूरी मिल चुकी है। भारत बायोटेक भारत की पहली ऐसी कंपनी है जिसने बच्चों के लिए वैक्सीन का ट्रायल किया था। भारत से पहले भी दुनिया के कई देश हैं जहां बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। इन देशों में अमेरिका, फ्रांस, स्पेन, इटली, नीदरलैंड, स्वीडन जैसे देश हैं।